दिल्ली में भारत मंडपम में बीजेपी का आज दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, 11,500 सदस्य होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव प्रचार की रूपरेखा और रणनीति होगी तय। हरियाणा के रेवाड़ी में बोले पीएम मोदी, अब की बार एनडीए सरकार 400 के पार, कांग्रेस की साजिश के आगे मेरे पास जनता का सुरक्षा कवच। आज वाराणसी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे राहुल, 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा का भी कार्यक्रम। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, कल यात्रा में होंगे शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य। अयोध्या का जिक्र कर बोले राहुल गांधी, कहा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गरीब नहीं थे, वहां सिर्फ अरबपतियों के लिए लाल कालीन लगी हुई थी। यूपी में आज और कल पुलिस भर्ती परीक्षा, 60,244 पदों पर 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, 75 जिलों में 2,385 परीक्षा केंद्र बनाए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अखिलेश यादव का बयान, एसपी सरकार की मेरिट लिस्ट पर हो पुलिस में भर्ती। कल किसान संगठनों और सरकार के बीच होगी बातचीत, चंडीगढ़ में शाम 6 बजे चौथे दौर की बैठक, 3 दौर की बातचीत रही है बेनतीजा। किसान आंदोलन पर अनुराग ठाकुर का बयान, कहा रविवार को सकारात्मक बातचीत की उम्मीद, किसानों के मुद्दों का हल निकालेंगे। हरियाणा में आज किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, चढ़ूनी ने कहा किसानों के मुद्दों को लेकर संघर्ष बिना मांगे पंजाब के किसानों का समर्थन नहीं। किसान संगठनों ने बीजेपी नेताओं के घर का घेराव करने का किया ऐलान, आज अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ के घर का करेंगे घेरा। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा गुट ने टोल प्लाजा फ्री करने का किया ऐलान, कल पंजाब में बिना टोल दिए गुजरेंगी सभी गाड़ियां। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान, कहा हमने किसानों की हर बात को सुना, समाधान निकलने तक किसानों से जारी रहेगी बातचीत। किसान आंदोलन के बीच यूपी में हड़ताल पर 6 महीने की रोक उल्लंघन पर बिना वारंट होगी गिरफ्तारी। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, ईडी का समन नजरअंदाज करने के मामले में पेशी। ममता सरकार ने ज्योतिप्रिया मलिक को मंत्री पद से हटाया, राशन वितरण घोटाले में जेल में बंद है टीएमसी नेता। महागठबंधन में नीतीश की वापसी पर लालू यादव का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार जब आएंगे तब देखेंगे, हमारा दरवाजा खुला ही रहता। लालू यादव के बयान पर जेडीयू ने कहा नीतीश की शख्सियत ही ऐसी है, हर कोई साथ रहना चाहता है, अब कहीं जाने वाले नहीं। एआईएमआईएम चीफ अवैसी का नीतीश कुमार पर हमला, कहा नीतीश इतना रंग बदले कि गिरगिट भी शर्मा जाए, उनकी याददाश्त ठीक नहीं। तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम रहते लिए गए सभी फैसलों पर लगी रोक, स्वास्थ्य नगर विकास विभाग के कार्यों की होगी समीक्षा। हल्द्वानी हिंसा केस में फरार 9 उपद्रवियों के पोस्टर जारी, मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 आरोपियों के पोस्टर, अब तक 42 आरोपी गिरफ्तार। हल्द्वानी हिंसा मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की संपत्ति की गई कुर्क। यूपी गाजीपुर में पेपर लीक गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार, 21 लाख का चेक और 6 लाख कैश बरामद, आरोपियों ने 30 अभ्यर्थियों से 1-1 लाख रुपए लिए। बिहार के दरभंगा में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद 2 समुदायों में झड़प। महाराष्ट्र के रत्नगिरी में बीजेपी नेता नीलेश राणे की कार पर पथराव, बीजेपी उद्धव गुट के कार्यकर्ता भिड़े, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की।